चलिए आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द्विराष्ट्रीय की बात सर्वप्रथम किसने की थी? द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी? यह हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? यह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड कार्जन। लॉर्ड कार्जन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था? यह हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह हो जाएगा रंगून। रंगून। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में कलर लाइट सिग्नल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में कलर लाइट सिग्नल की शुरुआत किस वर्ष की गई? यह हो जाएगा 1928। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? यह हो जाएगा सिरा जुगोल। सिरा जुगोल को। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? यह हो जाएगा 1929 में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो मेरे चैनल लकी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसे ही जनरल नॉलेज कमेंट करंट अफेयर जैसे वीडियो लाते हैं।